लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। बिजनौर लोकसभा से सटी मुजफ्फरनगर लोकसभा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनाएंगे। इसके साथ बसपा सुप्रीमो ने पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच को स्थापित करने का भी वादा किया। मायावती ने कहा कि हम काम करने पर विश्वास करते हैं, इसलिए झूठे घोषणा पत्र जारी नहीं करते। मायावती ने कहा कि जब जब बसपा की सरकार रही, किसानों, गरीबों और युवाओं के हित में काम किया है। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिया, युवाओं को रोजगार दिया। बसपा सरकार में निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुईं। हमारी सरकार में जाति, समुदाय या धर्म के नाम पर कभी भेदभाव नहीं किया गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।